इन जिलों की पॉजिटिव रेट इतनी। आपके जिले की पॉजिटिव रेट कितनी चल रही है 27 मई तक की, मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ 27 मई को शाम को 6 बजे तक। मध्य प्रदेश के किन जिलों की पॉजिटिव रेट कितनी है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा शेयर कर देना सभी के साथ, साथ ही वीडियो को पूरा देखें। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हमारे जिले की पॉजिटिव रेट का वीडियो बनाई, तो मेरे पास कुछ जिलों की पॉजिटिव रेट आ चुकी है 27 मई तक की, मैं आपको पूरी अपडेट दे देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं कुछ जिलों की लिस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस जिले में कितनी पॉजिटिव रेट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 46 जिलों में 5% से कम पॉजिटिव रेट। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के 46 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 5% से नीचे जा चुकी है पॉजिटिव रेट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं देखे, और मात्र 6 जिले ऐसे हैं जहाँ पर 5% से ऊपर पॉजिटिव रेट है। तो 6 जिले कौन कौन से, इंदौर में 8.1, भोपाल में 7.7, सागर में 7, रतलाल में 6.1, अनूपपुर में 6.6, रीवा में 5.2% जो कि पॉजिटिव रेट है। तो ये 6 जिलों की आपको मालूम चल गई है। और हम कुछ जिलों की बात कर लेते हैं जहाँ पर 5 जिले से 5% से नीचे पॉजिटिव रेट है। तो देख लीजिए, झाबुआ की अगर पॉजिटिव रेट की बात करें तो 0.8 है, खंडवा की 0.2, बड़वानी की 0.7 है, तथा मंडला की 0.9 है। खरगोन की बात कर लेते हैं 2.1 है, नीमच की बात करें 3.7 है, और धार की बात करें तो 3.9। तो हमारे पास में इन जिलों की जो पॉजिटिविटी रेट आ चुकी है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ 27 मई को शाम को 6 बजे तक की पूरी रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। तो 27 मई को 6 बजे तक की पूरी अपडेट है, तो आपको अच्छे समझ में आ गई होगी किस जिले में कितनी पॉजिटिव रेट है। अगर आप इन जिलों के अंतर्गत आते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।